हाय गाइस, दिस इज ह्यूमन सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया है डिस्क प्लाउ के बारे में। कल हमने देखा था अगर डिस्क प्लाउ क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ कौन कौन से होते हैं, और जैसा कि दो टाइप के डिस्क प्लाउ मैंने बताया था, एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ होता है और एक वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है, जिसमें से स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ के बारे में हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर चुका है। जो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं डिस्क प्लाउ से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम अपना डिस्कशन आगे करेंगे। सो एज यू नो, हमारा ये वीडियो है वो बाइलिंगुअल होगा, जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में होगा, बट जो एक्सप्लेनेशंस होंगी वो किस में होंगी, हिंदी में होंगी। सो स्टार्ट करते हैं अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि डिस्क प्लाउ से रिलेटेड। सो डिस्क सबसे फर्स्ट है हमारा, क्या चीज़ डिस्क। तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में जो कल देखा था, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है आपका डिस्क कहलाता है, ठीक है। बट इसका जो डेफिनेशन है क्या हो, इट इज़ ए सर्कुलर कॉन्केव रिवॉल्विंग स्टील प्लेट यूज फॉर कटिंग एंड इन्वर्टिंग द सॉइल। डिस्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आपके डिस्क प्लाउ में अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में अगर लिखना है, उसके बारे में डिस्क अगर ऐसा आप लिखते हो, तो उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज ए सर्कुलर कॉनकेव रिवॉल्विंग स्टील प्लेट यूज फॉर कटिंग एंड इन्वर्टिंग द सॉइल। एक ऐसा सर्कुलर डिस्क होता है, कॉनकेव शेप में होता है, जो कि सॉइल को कट करने के लिए और इन्वर्ट कर, जो सॉइल को कट करता है और पल्वराइज करता है, इन्वर्ट करता है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क एंगल। ये डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमबी प्लाउ में। तो डिस्क डिस्क एंगल वो क्या होता है, इट इज द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ द डिस्क इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है ना। जो आपका जो कटिंग एज है वो कहाँ इंक्लाइंड होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। मान लो कि जाइए जैसे कि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, और ये जो इंक्लिनेशन है, ये वाला इंक्लिनेशन, ये इमेज में देख सकते हो आप, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये क्या कहलाता है आपका, डिस्क एंगल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच वैरी करती है, यूजुअली द डिस्क एंगल ऑफ गुड प्लाउस वैरीज बिटवीन 42 to 45 degrees। ये 42 से लेकर 45 डिग्री के बीच में क्या करता है आपका, वैरी करता है। ये क्या चीज़ हो गया आपका, डिस्क एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जब आप फील्ड में टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डिस्क प्लाउ से। जो डिस्क एंगल होता है वो टिल्ट एंगल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो डिस्क एंगल टिल्ट एंगल जो होता है ना, इससे जो जो वर्किंग डेप्थ है, वर्किंग विड्थ है, ये सारा चीज़ एडजस्ट किया जाता है आपके डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल से। मतलब जो डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल है, आपके वर्किंग डेप्थ हो गया, वर्किंग विड्थ हो गया, ये सारे चीज़ को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। सो ये हो गया आपका डिस्क एंगल। नेक्स्ट क्या है आपका, टिल्ट एंगल। तो टिल्ट एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइन टू ए वर्टिकल लाइन। ये जैसे कि मान लो कि ये क्या है आपका, ये ग्राउंड लाइन हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। तो वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाएगा आपका डिस्क, है ना, वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टिल्ट एंगल बोलते हैं। द टिल्ट एंगल वेरीज फ्रॉम 15 to 25 degrees फॉर गुड प्लाउ। एक अच्छे प्लाउ के लिए जो टिल्ट एंगल की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में वेरी करती है, 15 to 25। जनरली जो आपका ये जो टिल्ट एंगल है, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है या फिर डेप्थ ऑफ कट है, उसको अफेक्ट करता है। मतलब अफेक्ट तो दोनों को करेगा, विड्थ ऑफ कट को भी करेगा, डेप्थ ऑफ कट को, बट जो डेप्थ ऑफ कट है जनरली टिल्ट एंगल से उसको एडजस्ट करते हैं। और जो आपका जो डिस्क एंगल होता है, इससे जो वर्किंग विड्थ हो गया, ये इससे भी अपना डेप्थ और विड्थ दोनों इफेक्ट करता है, बट जनरली जो विड्थ ऑफ कट को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका, क्या चीज़, डिस्क एंगल। तो ये जो दो एंगल हो गए, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क एंगल क्या होता है, या फिर टिल्ट एंगल क्या होता है, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिस्क एंगल ऑफ डिस्क प्लाउ वेरीज बिटवीन, आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे। वैसे टिल्ट एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लाउ वेरीज बिटवीन दिस टू दिस, आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना रहेगा, ठीक है। या फिर यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकते हैं कि डिफाइन डिस्क एंगल या फिर डिफाइन टिल्ट एंगल। सो नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, स्क्रैपर। स्क्रैपर जैसे कि आपने मैंने इसमें बताया था कि स्क्रैपर क्या करता है, जो आपका डिस्क में जो अगर जो सॉइल स्टीक हो जाता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, वो रिमूव करने का काम करता है। इट इज अ डिवाइस टू रिमूव सॉइल दैट टेंड्स टू स्टीक टू द वर्किंग सरफेस ऑफ डिस्क।
जो आपका डिस्क का जो वर्किंग सरफेस है, जो कटिंग एज है, उसमें क्या होता है जब वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है, अगर सॉइल बहुत ही स्टिकी है तो उसमें क्या होता है स्टिक हो जाता है, उसमें चिपक जाता है, जो रिवॉल्विंग डिस्क है उसमें क्या होगा वो चिपक जाएगा। तो उसको रिमूव करने का काम करता है क्या चीज़ आपका स्क्रैपर, इट इज अ डिवाइस टू रिमूव सॉइल दैट टेंड्स टू स्टिक टू द वर्किंग सर्फेस ऑफ डिस्क। नेक्स्ट आपका क्या चीज़, कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या होता है, इट इज द डेप्थ मेजर एट द सेंटर ऑफ डिस्क बाई प्लेसिंग इट्स कॉन्केव साइड ऑन ए फ्लैट सर्फेस। जो आपका डिस्क है उसमें जो कॉन्केविटी है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, उससे अगर आप उसको उल्टा करके ग्राउंड सरफेस पर रख देते हो तो जितना उसमें कॉन्केविटी है, जो डेप्थ होता है सेंटर पॉइंट से लेकर आपका वो सरफेस तक का जो डिस्टेंस है फ्लैट सरफेस तक का, वो क्या कहलाता है, उसकी कॉन्केविटी कहलाती है। जैसे कि हमने वो जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया उसमें बताया था, अगर उसका डायमीटर वो अकॉर्डिंग टू जो डायमीटर आपका जो कॉन्केविटी वेरी करता है, अगर आपका डायमीटर लार्ज है तो कॉन्केविटी बढ़ जाएगी, अगर स्मॉल डायमीटर का आपका डिस्क है तो वहाँ पर कॉन्केविटी क्या होती, कम होती है। नेक्स्ट टर्म है आपका ड्राफ्ट ऑफ डिस्क प्लाउ। तो जैसे कि हमने एमबी प्लाउ में ड्राफ्ट देखा था, वैसे क्या है आपका ड्राफ्ट ऑफ डिस्क प्लाउ, द डिस्क प्लाउ इज लाइटर इन ड्राफ्ट देन द मोल बोल प्लाउ। जो डिस्क प्लाउ होता है इसमें जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है मोल बोल के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि देखो जो मोल बोल प्लाउ होता है वो किस पे काम करता है, सक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, बट जो आपका डिस्क प्लाउ हुआ क्या होता है उसमें स्लाइडिंग मोशन होता है। तो स्लाइडिंग मोशन होता है तो क्या होता है, वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है जो डिस्क लगा हुआ है। तो उसमें जो उसको पुल करने के लिए या हीच करने के लिए जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू मोल्ड बोर्ड। और मोल्ड बोर्ड में हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट सक करते हैं, सक्शन करते हैं, इट मीन्स उसको डायरेक्ट हीच करते हैं। तो वहां पर आपका क्या होता है, जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है वो हैवी होता है। टर्निंग सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन सिमिलर कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्क प्लाउ होता है वो मोल्ड बोल के कंपेरिजन में उसमें क्या होता है, लाइटर ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है। सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन सिमिलर कंडीशन, अगर इसको पर्टिकुलर एक आप फील्ड को मार्क कर लो, कोई भी फील्ड लो, और वहां पर आप क्या चलाओ, सबसे पहले आप मोल्ड बोल प्लाउ चलाओ, उसका ड्राफ्ट मेजरमेंट करो कि उसको उस पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन में जो एमबी प्लाउ है उसको हीट करने के लिए कितना केजी फोर्स या फिर कितना ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है। और उसी पर्टिकुलर फील्ड पे अगर आप डिस्क प्लाउ चलाओगे तो वहां पर जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगा वो एमबी प्लाउ के कंपैरिजन में कम आएगा। उसी चीज को यहां पर मेंशन किया गया है कि द डिस्क प्लाउ इज लाइटर इन ड्राफ्ट देन द मोल्ड बोल प्लाउ टर्निंग सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन सिमिलर कंडीशन, ठीक है ना। इन वेरी हार्ड सॉइल सम एक्स्ट्रा वेट इज एडेड टू द व्हील विच इंक्रीज द ड्राफ्ट। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी अगर सॉइल बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो जनरली जो हार्ड सॉइल होता है वहां पर अपन डिस्क प्लाउ यूज करते हैं, बट अगर डिस्क प्लाउ भी वहां पर अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है तो डिस्क प्लाउ के ऊपर क्या कर देते हैं अपन, एडिशनल वेट, जो एक्स्ट्रा वेट उसके ऊपर या तो जो भी अपन रख देते हैं, या जो कास्ट आयरन का पीस होता है उसको रख देते हैं। जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे जो कैरी बैग होता है बड़ा वाला, जो पॉली क्या बोलते हैं उसको, बोरी बोलते हैं, उसमें क्या होता है पत्थर वगैरह भर के अपन इम्प्लीमेंट्स के ऊपर रख देते हैं। इसको आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि कहीं पर अगर कहीं ट्रैक्टर चल रहा है वहां अगर डिस्क प्लाउ उन लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसे देखने को मिल जाता है जनरली। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है जहां पर उसका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसकी अगर आप पीछे अगर उसमें वेट लगाओगे तो उसका जो वर्किंग डेप्थ हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कोई भी इम्प्लीमेंट हो अगर वर्किंग डेप्थ बढ़ेगा उसका या फिर उसमें लोड बढ़ेगा तो जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गया आप तक इससे रिलेटेड, डिस्क प्लाउ से रिलेटेड। एक तो हो गया आपका डिस्क हो गया, डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, स्क्रैपर हो गया, कॉन्केविटी हो गया, और ड्राफ्ट ऑफ डिस्क प्लाउ। तो जो मेन आपका एमबी प्लाउ और डिस्क प्लाउ में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंपेरिजन बिटवीन एमबी प्लाउ एंड डिस्क प्लाउ, तो सबसे पहले तो आपको जो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था वहां से आप टॉप पॉइंट्स ले सकते हो, यहां से भी पॉइंट्स ले सकते हो कि आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हो यहां से कि जो डिस्क प्लाउ में होता है वो आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट कम होता है, मोल्ड बोल में ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट हैवी ड्राफ्ट रिक्वायर होता है, कि पर्टिकुलर अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड है सेम सॉइल हो, सेम सिमिलर कंडीशन हो और सेम वॉल्यूम अगर टर्न कर रहे हैं तो एमबी प्लाउ का जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ में क्या होता है आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ, जो हमने टू टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ देखे थे, एक क्या था आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ था और दूसरा क्या है वर्टिकल डिस्क प्लाउ। स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में क्या था कि जो पर्टिकुलर एक एक डिस्क के लिए क्या क्या था, एक एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया था, एक एक स्टब एक्सल था, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं।
बट वर्टिकल डिस्क प्रॉब में ऐसा नहीं होता, बट एक सिंगल शाफ्ट होता है उसके ऊपर क्या करता है, सारे जो डिस्क होते हैं वो माउंट होते हैं। तो वर्टिकल डिस्क प्रॉब के बारे में देखते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो इट इज़ अ प्लाउ विच कम्बाइंस द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर डिस्क प्लाउ एंड द डिस्क हैरो एंड इज यूज फॉर सैलो वर्किंग इन द सॉइल। ठीक है ना, जो डिस्क वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर डिस्क प्लाउ और जो डिस्क हैरो, हैरो जो अपन जो प्राइम सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट होता है उसमें पढ़ेंगे, तो ये दोनों को कंबाइन करता है, किसको किसको, दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल से ये बना है क्या चीज़, आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ जो है, आपका एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ हो गया और जो डिस्क हैरो होता है, ये दोनों के प्रिंसिपल को कंबाइन करके क्या बनाया गया, आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ, या फिर ये दोनों के प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये वर्क करता है। दिस टाइप ऑफ प्लाउ इज आल्सो कॉल्ड हैरो प्लाउ और वन वे डिस्क प्लाउ। जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैरो प्लाउ भी बोलते हैं या फिर वन वे डिस्क प्लाउ भी इसको बोलते हैं, जो आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ। इसको द डिस्क आर फिटेड ऑन ए सिंगल शाफ्ट एंड टर्न अस वन यूनिट लाइक अ गैंग ऑफ डिस्क हैरो। देखो इसमें क्या होता है, जो डिस्क होते हैं वो एक सिंगल शाफ्ट में माउंट रहता है, जो सारा डिस्क है वो एक सिंगल शाफ्ट में माउंट रहता है और एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करता है, और यूनिट लाइक अ गैंग, गैंग से इसका जो मीनिंग होता है वही होता है, जैसे एक पर्टिकुलर शाफ्ट में बहुत सारे आपके डिस्क हैं, तो उसको जो कंप्लीट यूनिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। गैंग मतलब जैसे कि आप जनरली जो नॉर्मल अपन गैंग यूज करते हैं, मतलब जो ग्रुपिज्म होता है, जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो यहां पर भी उसका सेम मीनिंग निकलता है आपका, कि जो नंबर ऑफ डिस्क हैं, जो बहुत सारे डिस्क उसमें लगे हुए हैं, जो उसमें जो एक पर्टिकुलर शाफ्ट में ऐसा सारा डिस्क क्या होता है, माउंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या चीज़ है, स्पेसिंग बिटवीन द डिस्क में 20 to 25 सेंटीमीटर। अब एक ही शाफ्ट में बहुत सारे डिस्क लगे हुए हैं, तो एक डिस्क से दूसरे डिस्क के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो जनरली किसके किसके बीच होता है, 20 to 25 सेंटीमीटर। ये अकॉर्डिंग टू साइज वैरी करेगा, अगर आपका डिस्क जो साइज है उसका साइज भी क्या करता है, वो वैरी करता है। तो अगर आपका साइज अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, स्पेसिंग भी वैरी करेगा, एक डिस्क से लेकर दूसरे डिस्क का जो डिस्टेंस है उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। ये सारा चीज इफेक्ट करेगा आपके किसके, जब आप इस टीरेज ऑपरेशन करोगे फील्ड में, तो ये सारा चीज इफेक्ट करता है कि एक स्लाइड से आपके एक डिस्क से आपका जो दूसरे डिस्क का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द साइज ऑफ डिस्क वेरीज फ्रॉम 50 to 65 सेंटीमीटर। जो डिस्क का साइज होता है वो किसका किस कितने से कितने के बीच वेरी करता है, 50 to 65 सेंटीमीटर, एंड द डिस्क एंगल वेरीज फ्रॉम 40 to 45 डिग्री। देखो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में देखा था, उसका जो डिस्क एंगल कितने से कितने के बीच वेरी कर रहा था, 42 to 45, और जो इसका जो डिस्क एंगल है वो कितने से कितने बीच वेरी कर रहा है, 40 to 45, और जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है उसमें जो टिल्ट एंगल होता है वो 0 होता है, उसमें टिल्ट एंगल नहीं होता है। तो ये हो गया आपके क्या चीज, वर्टिकल डिस्क प्लाउ। जैसे कि ये देखो, यहां पर आप ये इमेज देख सकते हो किसका, वर्टिकल वर्टिकल डिस्क प्लाउ का। देखो ये क्या है, एक यहां पर जैसे दिख रहा है, ये क्या है आपका, एक शाफ्ट हो गया, यहां पर जैसे कि ये डिस्क माउंट है, ये हो गया आपका ये जो कंप्लीट है, ये क्या कहलाता है, आपका गैंग कहलाता है। यहां पर जो थ्री पॉइंट लिंकेज दिया हुआ है, ये दो लोअर लिंक है और ये क्या है आपका टॉप लिंक, जो कि जो ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, और जो दो लोअर लिंक होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। ये क्या चीज हो गया आपका, डिस्क हो गया, ये एक सिंगल शाफ्ट हो गया। तो ये जो कंप्लीट क्या है आपका, वर्टिकल डिस्क प्लाउ है, ये थ्री पॉइंट लिंकेज पे ट्रैक्टर के पीछे में क्या होगा, अटैच होगा। यहां पर देखो एक डिस्क एंगल प्रोवाइड है, बट ये अपने वर्टिकल एक्सिस में किधर भी झुका नहीं है, स्ट्रेट है। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो ये ऐसा टिल्ट है, जो कि आपका डिस्क एंगल है, बट वर्टिकल एक्सिस में क्या है, स्ट्रेट है। तो यहां पर जो डिस्क एंगल तो होता है, बट टिल्ट एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया आपकी क्या चीज, वर्टिकल डिस्क प्लाउ। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल डिस्क प्लाउ, तो आप लिख देना, डिस्क होता है, आर्बर बोल्ट शाफ्ट होता है, ये वाला, ये थ्री पॉइंट लिंकेज होता है, ये सारा चीज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या, एडजस्टमेंट एंड रिपेयर ऑफ प्लाउस, की जो प्लाउस होते हैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या क्या होता है। तो इन बोथ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ एंड वर्टिकल डिस्क प्लाउ, द विड्थ ऑफ कट मे बी चेंज बाई एडजस्टिंग द एंगल बिटवीन द फ्रेम एंड द लैंड व्हील एक्सल टू रोटेट द एंटायर फ्रेम इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना, जो एंगल हमने पढ़ा था, ये डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, उसके एडजस्टमेंट से क्या करते हैं अपन, यहाँ पर जो
आपका चाहे वो स्टैंडर्ड डिस्प्ले हो या फिर वर्टिकल डिस्प्ले हो, जो विड्थ ऑफ कट है उसको अपन एडजस्ट करते हैं एंगल से। डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑन डिस्प्ले इफेक्ट द डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट एंड पल्वराइजेशन ऑफ द सॉइल इन द मैनर गिवन बिलो। ठीक है ना, इसमें देखते हैं कि क्या चीज को इम्प्रूव करने से आपका वर्किंग डेप्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, विड्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, पेनिट्रेशन इज इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्क एंगल। अगर आप डिस्क एंगल को इम्प्रूव करोगे तो आपका क्या होगा, जो पेनिट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ से बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो अगर डिस्क एंगल अगर आप वेरी करते हो, इंक्रीज करते हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बस चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन इज इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग द टिल्ट एंगल ऑन स्टैंडर्ड डिस्प्ले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि पेनिट्रेशन इज इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग द टिल्ट एंगल ऑन स्टैंडर्ड डिस्प्ले, और जो वर्टिकल डिस्प्ले होता है उसमें तो आपका टिल्ट एंगल होता ही नहीं है, है ना। तो अगर आपको पेनिट्रेशन इंप्रूव करना है तो टिल्ट एंगल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग एडिशनल वेट ऑन द प्लाउ। आप अगर पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अगर आप एडिशनल वेट उसमें अगर डालते हो कि यहाँ पर किसी भी इम्प्लीमेंट में या फिर जो डिस्क प्लाउ है उसमें अगर आप एडिशनल वेट लगाते हो तो क्या होगा, उससे जो आपको पेनिट्रेशन हो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और विड्थ ऑफ कट इज एडजस्ट बाय द एडजस्टिंग द एंगल बिटवीन द लैंड व्हील एक्सल एंड द फ्रेम। जो आपका जो विड्थ ऑफ कट है उसको एडजस्ट किसके किसके बीच जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन द लैंड व्हील एक्सल एंड द फ्रेम, उसके बीच जो एंगल बन रहा है उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो विड्थ ऑफ कट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या चीज, एडजस्टमेंट एंड रिपेयर ऑफ प्लाउज। जो प्लाउज में कुछ एडजस्टमेंट और रिपेयर्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया आपका जो डिस्क प्लाउ होता है वो कंप्लीट हो गया, कि डिस्क प्लाउ दो टाइप के होते हैं आपके, जो पहला होता है स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ होता है और दूसरा वो क्या है आपका, वर्टिकल डिस्क प्लाउ। उसमें जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपका डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिस्क एंगल और डिफाइन टिल्ट एंगल, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि डिस्क एंगल वेरीज बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स दिस टू दिस सेंटीमीटर एक्सेट्रा, इस टाइप से। ठीक है ना, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंड रिपेयर ऑफ प्लाउ। तो क्या क्या जो एडजस्टमेंट और रिपेयर होता है किसमें, आपके प्लाउ में। तो यहाँ पर ये आपका जो डिस्क प्लाउ है ये कंप्लीट होता है, बाकी जो प्लाउज बचे उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।